Hello viewers, I am Dr. Divya Goyal, a neurologist based in Metro Hospital, Faridabad. आज हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस, उससे जुड़ा पैरानोया, उससे जुड़े लक्षण, होम क्वारंटीन एंड सेल्फ केयर के बारे में. As we all know that coronavirus has become a part and parcel of life, it's the new normal. Coronavirus का इतना पैरानोया है कि everybody actually wants to test कि उनकी lung capacity कितनी है, क्या वो breathless हो रही है. So they are performing the 10 second breath holding test. जैसे 10 सेकेंड के लिए वो अपनी सांस रोक कर ये देखना चाहते हैं कि उनकी लंग कैपेसिटी अच्छी है या नहीं. या दे टेक अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स और उसमें वो देखते हैं कि वो ब्रेथलेस हो रहे हैं या नहीं. बट दीज आर ऑल नॉन रिकमेंडेड टेस्ट. जो एक्चुअली रिकमेंडेड टेस्ट है वो है 6 मिनट वॉक टेस्ट, जिसमें पेशेंट को अपनी नॉर्मल पेस पर 6 मिनट्स के लिए चलाया जाता है एंड इस दौरान उसके ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स को मेजर किया जाता है. For measuring the blood oxygen saturation levels, we have a device called pulse oximeter, which is very easy to use. It's a portable device. जिसको हम अपनी एक finger पर लगाते हैं और पहले एक baseline resting blood oxygen saturation levels को measure कर लिया जाता है, जो कि normally more than 95% होना चाहिए. Then after walking at a normal pace for 6 minutes, उसका blood oxygen saturation level during that process भी monitor किया जाता है and after that process भी monitor किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि dip of the blood oxygen saturation levels कितनी आ रही है. If it amounts, the dip amounts to more than 6 to 8% from the baseline levels, that means कि the lung capacity is hampered and the patient needs to seek the advice of a doctor and maybe need to be hospitalized too. फिर बात आती है कि कोरोना वायरस के क्या लक्षण होते हैं और उनको कैसे पहचाना जाता है. कोरोना वायरस के लक्षण ज़्यादातर 2 दिन से लेके 2 हफ्ते तक रेंज करते हैं फ्रॉम द डे ऑफ एक्सपोजर. एक्सपोजर हम देखते हैं इफ़ वी आर अ क्लोज कॉन्टैक्ट. क्लोज कॉन्टैक्ट कहा जाता है उसे जो कि एक पॉजिटिव केस के साथ फॉर मोर देन 15 मिनट्स रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन 3 फीट. अगर आप क्लोज कॉन्टैक्ट हैं तो आप एक्सपोजर के या अपने सिम्टम्स आने के 4th या 5th दिन अपना टेस्ट करवाने जा सकते हैं, जिसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट एज वेल एज RT-PCR अवेलेबल है. आफ्टर गेटिंग योर टेस्ट पॉजिटिव, पहले आपको डिवाइड किया जाता है माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर केस में. माइल्ड केस के लक्षण होते हैं माइल्ड फीवर आना, सोर थ्रोट होना, थोड़ा बहुत जुकाम होना और थकावट रहना. मॉडरेट केस के फीचर्स होते हैं जैसे कि निमोनिया हो जाना, जिसके कारण पेशेंट ब्रेथलेस हो जाता है. और सिवियर केसेस में बायलैटरल निमोनिया हो जाता है, जिसे हम ARDS बोलते हैं, एंड सेप्टिक शॉक भी हो सकता है. पेशेंट कैन ऑल्सो बी रेंडर्ड अनकॉन्शियस. तो ये कुछ कॉमन लक्षण हैं जो कोरोना में पहचानने होते हैं. माइल्ड केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपकी सूंघने की शक्ति और स्मेल करने की और टेस्ट करने की जो क्षमताएँ हैं वो चली जाए. तो इफ़ यू आर अ माइल्ड केस तो यू नीड टू बी होम क्वारंटीन्ड. अब इस वीडियो का पर्पस था आप कैसे होम क्वारंटीन करेंगे और आपको उसमें कैसे कैसे अपनी सेल्फ केयर करनी है. फॉर होम क्वारंटीन यू नीड अ रूम विद अटैच्ड बाथरूम where you can self-isolate yourself far away from the family members. You do not have to come in touch with them. दूसरी बात, आपको अपने vitals monitor करने हैं. हर रोज़ आपको अपना temperature देखना है सुबह शाम, अपना blood oxygen saturation level देखना है through a pulse oximeter and आप अपनी pulse rate देखनी होती है. तो if you monitor your temperature and see whether your fever is increasing or decreasing. दूसरी बात, जब blood oxygen saturation levels आप देखते हैं उसमें आप ये देखिए कि वो मोर देन 95% रह रहे हैं या उसमें ग्रेडेड डिप आ रही है. जैसे अगर पहले दिन आपका मोर देन 95% आ रहा है लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे दिन वो 94, 93, 92 इस तरह ड्रॉप होते जा रहा है तो यू नीड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड. कभी कभी आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है. कोरोना वायरस के इस बीमारी में एक टर्म है, हैप्पी हाइपोक्सिया. नाउ व्हाट इज़ हाइपोक्सिया? इट इज़ द डिप इन ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स. और व्हाट इज़ हैप्पी हाइपोक्सिया? व्हेन जब आपके ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स तो डिप कर गए लेकिन आपको उसके लक्षण नहीं आते, यू रिमेन एसिम्प्टोमेटिक. नॉर्मली जब ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स डिप होते हैं तो आप मल्टी ऑर्गन फेलियर में चले जाते हैं, आपके धीरे धीरे सभी अंग जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं. बट इफ़ यू रिमेन एसिम्प्टोमेटिक तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स जो हैं वो डिप कर गए हैं. यहीं पर रोल आता है पल्स ऑक्सीमीटर का, जो कि नापता है ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स, विच आर वेरी असेंशियल. तो किसी भी मौके पर अगर आपको ग्रेडेड लॉस दिख रही है या आपका ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल परसिस्टेंटली लेस देन 90% रह रहा है तो यू हैव टू गेट हॉस्पिटलाइज्ड, सीक द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर एंड मे बी आपको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है.
So these are some vital monitoring which needs to be carried out at home quarantine. फिर आपको क्या क्या करना होगा अपने लिए ड्यूरिंग होम क्वारंटीन. आपको अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है. यू हैव टू बी ऑन पैरासीटामोल इफ़ यू आर रनिंग फीवर. एटलीस्ट मोर देन 100 पे तो रिकमेंडेड ही है कि आप पैरासीटामोल लें. देन यू हैव टू हाइड्रेट योरसेल्फ वेरी वेल. आपको 2.5 टू 3 लीटर्स ऑफ फ्लूइड मे बी मोर डिपेंडिंग अपॉन द यूरिन आउटपुट आपको लेना होता है. देन यू हैव टू टेक अ कोर्स ऑफ एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम ओडी फॉर 5 डेज. इसके अलावा कुछ लोग रेकमेंड करते हैं कि आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी लें, बट इसमें डिस्प्यूटेड व्यू है. आइडियली एक माइल्ड केस में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज नॉट दैट मच यूजफुल, लेकिन ये ऑप्शनल ट्रीटमेंट है. बाकी इसके अलावा आप इम्यूनिटी बूस्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप हल्दी यूज़ कर सकते हैं. देन यू कैन यूज़ सर्टेन मल्टी विटामिंस ऑल्सो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. So these are all the measures you have to take while you are at home quarantine in the process of self-care. इसके अलावा कई सारे सवाल हैं कि होम क्वारंटीन को कब तोड़ा जाए. अब इसके बारे में जो रेकमेंडेड ओपिनियन है वो ये है कि जब आप सिम्टम ऑनसेट से आपको 10 दिन गुजर चुके हैं, जिसमें से 3 ऐसे दिन शामिल हैं जो कि जिसमें आपको बुखार नहीं चढ़ा है, यानी 3 डेज ऑफ ए फेब्राइल पीरियड विद इन द 10 डेज ऑफ द पीरियड रेंजिंग फ्रॉम द सिम्टम ऑनसेट, तब आप होम क्वारंटीन को तोड़ सकते हैं. इसका मतलब है आप नॉन इन्फेक्टिव हो गए हैं. आपको किसी टेस्ट के प्रमाण की ज़रूरत नहीं है कि आप नेगेटिव आ गए हैं. एक मिथ सोसाइटी में ये भी है कि जब तक आप नेगेटिव नहीं आ जाते हैं कोरोना वायरस के टेस्ट में, तब तक आप अपना क्वारंटीन नहीं तोड़ें. ऐसा नहीं है. मैं बता देना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस का टेस्ट इवन आफ्टर बिकमिंग नॉन इन्फेक्टिव कैन टर्न आउट टू बी पॉजिटिव, क्योंकि ये जो RT-PCR का टेस्ट है, दिस एक्चुअली डिटेक्ट्स द वायरस. इट मे बी अलाइव, इट मे बी डेड वायरस. और अगर एक नॉन इन्फेक्टिव पर्सन है जिसमें डेड वायरस अभी प्रिवेल कर रहा है, उसका टेस्ट भी इक्वली पॉजिटिव आता है. इट डजंट मीन दैट द पर्सन इज इन्फेक्टिव. इसीलिए हम ये क्राइटेरिया ना अपना कर हम फ्रॉम द डे ऑफ सिम्टम ऑनसेट आपके दिन गिनते हैं, एंड प्लस हम ये गिनते हैं कि आप कितने दिन होने से एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट इन परफॉर्मिंग होम क्वारंटीन, लर्निंग अबाउट द सिम्टम्स ऑफ कोरोना, एंड बीइंग अवेयर एंड मेकिंग द सोसाइटी अवेयर.